सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं रोज मटरी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। रोज मटरी बनाने के लिए हमको चाहिए घी, मैदा, पानी, अजवाइन, नमक और ऑयल या घी। ये 2 कप मैदा है, 2 को तोड़ेंगे थोड़ी बड़ी सी। और उसको इस तरीके से दबा करके अच्छे से लोई बना लेंगे। और जो बची हुई मैदा है उसको ढक करके रखेंगे जिससे कि वो सूखे ना। अब लोई को बेल लेंगे।
तो आपकी दो मटरी तैयार हो जाएंगी, दो रोज तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। और फिर काटने के बाद पत्तियों को हल्का सा अपने हाथ से खोल दें इस तरीके से। इसी तरीके से सभी मटरियों को तैयार कर लें, सभी रोज को तैयार कर लें। ऑयल को गर्म करने के लिए रख दें। इसी तरीके से सभी रोज बना लेंगे। गैस पर कढ़ाई में ऑयल रखेंगे, ऑयल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ऑयल जब गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल को नहीं करना है। जैसे मटरी सिकती हैं मीडियम स्लो हीट पर, उसी तरीके से मटरी को सेकेंगे। और रोज़ शेप की मटरी को सिकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये पीछे साइड से बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, तो इनको सिकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए गैस को बहुत स्लो ही रखें, ज़्यादा तेज़ गैस पर मटरी को ना तलें। गैस को एकदम स्लो कर दिया है और सीधा रोज़ रखेंगे, उल्टा रोज़ नहीं रखेंगे। अगर इस तरीके से रोज़ को रखेंगे तो इसकी शेप खराब हो जाएगी। मटरी हल्की गुलाबी हो गई हैं, सिक चुकी हैं मटरी। देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आई है रोज की। एक प्लेट में निकाल लेंगे, कितनी सुंदर लग रही है मटरी। इसी तरीके से सभी रोज मटरी को सेक लेंगे। आज बना रहे हैं नमक पारे। नमक पारे बनाने के लिए चाहिए मैदा, घी, पानी, अजवाइन और नमक। एक बड़ा बॉल लेंगे, बॉल में डालेंगे मैदा, ये 500 ग्राम मैदा है। मैदा में डालेंगे अजवाइन करीब 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून या टेस्ट के अनुसार नमक। मिक्स कर देंगे नमक को, घी डालेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ब्रेड क्रम्स की तरह से मैदा हो जानी चाहिए, जैसे मुट्ठी बांधें अगर तो ये मुट्ठी बन जानी चाहिए इस तरीके से। इतना घी डालना है, हाफ कप के करीब घी डाला है मैदा में। घी अच्छे से सब तरफ से मिक्स हो जाना चाहिए। अगर आपको थोड़े से कड़क नमक पारे बनाने हो तो आप घी थोड़ा कम डालें। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और मैदा को सख्त गूंथेंगे। मैदा को एकदम कड़क गूंथ लिया है। अब मैदा को करीब आधे घंटे के लिए ढक करके रख देंगे। मैदे को मारकर रखे हुए करीब आधा घंटा हो गया है। अब मैदे को हल्का सा मल लेंगे। और
घी को या रिफाइंड ऑयल को जिसमें आपको मटरी बनानी हो, जिसमें नमक पारे बनानी हो, गैस पर गरम करने के लिए रख देंगे। मैदे को मल लिया है, एक बड़ी सी लोई लेंगे और जो मैदा है उसको ढक कर के रखेंगे जिससे कि मैदा सूखे ना। इस तरीके से एक लोई बना करके और बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे। इस तरीके से जितने बड़े बड़े आपको नमक पारे बनाने हो आप उस हिसाब से नमक पारे बना लें, या जितनी पतली पतली स्टिक टाइप से बनानी हो तो उस तरीके से स्टिक बना लें। पिज्जा कटर की सहायता से बहुत आसानी से नमक पारे कट जाते हैं। इस तरीके से नमक पारे कट जाएंगे। ऑयल गरम हो गया है, गैस को एकदम स्लो कर देंगे ऑयल गरम होने के बाद, और ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे बबल्स उठ रहे हैं, इतना ही तेज़ गरम ऑयल चाहिए हमको। अब इसमें नमक पारे डाल देंगे। तेज गैस पर नमक पारे नहीं तलेंगे, ये मटरी की तरह होते हैं, बिल्कुल मीडियम स्लो गैस पर नमक पारों को तलेंगे। अगर तेज गैस पर तलेंगे तो नमक पारे कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से एकदम लाल हो जाएंगे। इस तरीके से बीच बीच में चलाते जाएंगे। जब तक ये नमक पारे सिक रहे हैं हम दूसरे नमक पारे बना लेते हैं। उसी तरीके से लोई बना करके और बेल लेंगे। बेलने के बाद स्क्वायर पीस में नमक पारे काटेंगे। जो एक्स्ट्रा है छोटे छोटे पीस हैं उनको हटा देंगे। एक प्लेट में नमक पारे निकाल लेंगे सारे। नमक पारे को हल्का गुलाबी होने तक सेक लेंगे और ये भी देख लेंगे हल्का सा दबा करके कि वो अच्छे से अंदर से सिक गए हैं या नहीं, कच्चे तो नहीं हैं। अगर आप तेज आंच पे सेकेंगे नमक पारों को तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। नमक पारे हल्के गुलाबी हो गए हैं और अच्छे से सिक गए हैं। नमक पारे प्लेट में निकाल लेंगे। नमक पारे सिक गए हैं, नमक पारों को निकाल लेंगे और इसी तरीके से जितने भी नमक पारे हैं सभी को सेक लेंगे। नमक पारे बनकर के तैयार हैं। आज बनाएंगे मसालेदार बेसन की मठरी। मठरी बनाने के लिए चाहिए बेसन, मैदा, पानी, ऑयल, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, अजवाइन, नमक, खटाई और हींग। एक बॉल लेंगे, बॉल में डालेंगे मैदा। 1.5 कप मैदा ली है। टेस्ट के अनुसार नमक, अजवाइन 1/2 टीस्पून के करीब मिक्स कर देंगे।
नमक और अजवाइन को मिक्स करने के बाद ऑयल डालेंगे। जितनी खस्ता मठरी आपको रखनी हो उस हिसाब से आप मोमन कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैदे में 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है। इस तरीके से मुट्ठी बन रही है। अब पानी डाल करके कड़क गूंथ लेंगे मैदे को। मैदा को कड़क गूंथ लिया है। मैदा को एक बॉल में रख देंगे। अब बेसन मारेंगे। 1.5 कप बेसन है। बेसन में डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। नमक टेस्ट के अनुसार। 1/2 टीस्पून अजवाइन। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और चुटकी भर हींग। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। मसाले मिक्स हो गए हैं। अब बेसन में ऑयल डालेंगे 4 टेबल स्पून के करीब और ऑयल को बेसन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेसन में ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो को गूंथ लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। जितना कड़क मैदे को गूंथा है उतना ही कड़क बेसन को गूंथेंगे। बेसन हाथ पे थोड़ा चिपकता है। बेसन भी मल करके तैयार हो गया है। बेसन को भी एक बॉल में रख देंगे। बेसन और मैदे को आधे घंटे के लिए ढक करके रखेंगे जिससे कि मैदा और बेसन दोनों चीज़ें फूल जाएं। मैदे को और बेसन को गीले कपड़े से ढकेंगे। बेसन और मैदा को मार के रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम मठरी बेलेंगे। मैदे को हल्का सा मल लेंगे। मलने के बाद 2 बॉल कर लेंगे मैदे की। इसी तरीके से बेसन को हाथ से कर लेंगे। तरीके से बेसन की भी 2 बॉल कर लेंगे। जो मैदा की बॉल है उतनी ही बड़ी बेसन की बॉल बना करके मैदे की लोई पे हल्का सा पानी लगाएंगे ब्रश की सहायता से और दूसरी लोई को यानी कि बेसन की लोई को इसके ऊपर रख देंगे। अब दोनों लोई को एक साथ बेल लेंगे। इस तरीके से बेलने के बाद हल्का सा पानी लगाएंगे पूरे पे और रोल कर लेंगे। मैदा और बेसन को इस तरीके से रोल कर लेंगे एकदम टाइट तरीके से। रोल करने के बाद इस तरीके से हल्का सा दबा देंगे घुमा घुमा करके जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। इस तरीके से रोल बन जाएगा। रोल बनने के बाद छोटी छोटी इस तरीके से पतली पतली लोई काट लेंगे। सभी मठरी कट गई हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से भी डीप फ्राई कर सकते हैं या इसको हल्का सा इस तरीके से बेल करके भी डीप फ्राई कर सकते हैं।
ऑयल को गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल गरम हो गया है, ऑयल में मटरी को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गैस पर मटरी को नहीं तलेंगे, मीडियम स्लो हीट पर मटरी को तलेंगे, नहीं तो मटरी अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बीच बीच में मटरी को पलटते रहेंगे। मटरी सिक गई है, मटरी को प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारी मटरियों को सेक लेंगे। हल्की गोल्डन ब्राउन करनी है मटरी स्लो मीडियम हीट पर। बेसन की मसाले वाली मटरी तैयार है। ठंडी होने के बाद मटरी को एयर टाइट डिब्बे में भर करके रखें। अगर आप मटरी को डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप ओवन में भी मटरी को बना सकते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन को प्रीहीट कर लें और करीब 15 से 18 मिनट में मटरी सिक करके तैयार हो जाएंगी। आप मटरी के ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगा दें ब्रश की सहायता से, आपकी बेक्ड मटरी तैयार हो जाएंगी। आज बना रहे हैं पापड़ी। पापड़ी बनाने के लिए चाहिए मैदा, पानी, घी और नमक। 3 कप मैदा ली है, मैदा में डालेंगे। नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अनुसार, और घी डालेंगे 6 टेबल स्पून घी डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे घी को मैदा में। घी अच्छे से मैदा में मिक्स हो गया है। अब मैदा में पानी डालेंगे और एकदम कड़क गूंथ लेंगे मैदा को। मैदा को एकदम कड़क गूंथ लिया है। अब मैदा को ढक करके रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। गीले कपड़े से ढक करके रख देंगे। मैदा को रखे हुए करीब 20 मिनट हो गए हैं। अब मैदा को हल्का सा मलेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं मलना है। और मलने के बाद बहुत छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे पापड़ी बनाने के लिए। सभी लोइयों को तोड़ने के बाद बेलने के बाद फूंक लेंगे काटा और उसे इस तरीके से गोंथ लेंगे। अगर आप और छोटी पापड़ी बनाना चाहते हैं तो लोई और छोटी छोटी तोड़ें। इसी तरीके से लोई को बेल बेल करके रख लेंगे। पतली पतली बेलना है। ऑयल को गरम करने के लिए रख देंगे पापड़ी सेकने के लिए। ऑयल गरम हो गया है, ऑयल को बहुत तेज गरम नहीं करेंगे। ऑयल जब गरम हो जाएगा गैस को मीडियम स्लो हीट पर कर देंगे। उसके बाद इसमें पापड़ी को डालेंगे। मीडियम स्लो हीट पर पापड़ी को हल्का गुलाबी होने तक डीप फ्राई करेंगे। बीच बीच में इसी तरीके से पापड़ी को पलटते रहेंगे। पापड़ी सिक चुकी है,
पापड़ी को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी पापड़ी को सेक लेंगे। पापड़ी सिक करके तैयार है। आज बना रहे हैं बेसन के सेब। बेसन के सेब बनाने के लिए चाहिए ऑयल, बेसन, पानी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, हींग, अजवाइन और खाने वाला सोडा। एक बड़ा बॉल लेंगे, बॉल में बेसन डालेंगे। ये एक कप बेसन लिया है। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के अनुसार, 1/4 टीस्पून अजवाइन, चुटकी भर खाने वाला सोडा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, चुटकी भर हींग। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बेसन में ऑयल डालेंगे। थ्री टेबल स्पून ऑयल डाला है एक कप बेसन में। अगर जरूरत होगी तो थोड़ा सा ऑयल और डाल लेंगे। ऑयल अच्छे से बेसन में मिक्स हो गया है। ब्रेड क्रम्स की तरह से बेसन को हो जाना चाहिए। ऑयल को मिक्स करने के बाद पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूंथते जाएंगे बेसन को। थोड़ा सॉफ्ट बेसन को गूंथेंगे। रखने के बाद भी बेसन थोड़ा सा फूलता है। अगर डो बहुत ज्यादा कड़क होगा, बेसन के सेब बनाते समय सेब फटे फटे से हो जाएंगे, इसलिए डो थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे। बेसन को मारने में 4-5 टेबल स्पून पानी डाला है। अब बेसन को ढक देंगे 10 मिनट के लिए। बेसन को रखे हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं। बेसन हल्का सा कड़क हो गया है। जिसमें सेब बनाते हैं वो मशीन लेंगे, ये जाली लेंगे, जाली के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और मशीन में भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे, जिससे कि बेसन मशीन के अंदर चिपके ना। जाली को मशीन के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा करके बेसन को हाथ में लेकर के और इस तरीके से रोल बना लेंगे। बहुत कड़क बेसन नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। हाथ से दबाने से इस तरीके से ये दब रहा है। इस बेसन को मशीन के अंदर रख देंगे और दबा देंगे। और जो ढक्कन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और उसको बंद कर देंगे। ऑयल को कढ़ाई में गरम करने के लिए गैस पर रख देंगे। ऑयल गरम हो गया है या नहीं ये देखने के लिए थोड़ा सा बेसन कढ़ाई में डालेंगे। अगर वो तुरंत ऊपर आ जाता है तो ऑयल गरम है। बेसन अभी तुरंत ऊपर नहीं आया है। अभी ऑयल को थोड़ा और गर्म होने देंगे। दोबारा से बेसन को डालेंगे। बेसन ऊपर आ गया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब ऑयल में इस तरह से सेब वाली मशीन से गोल घुमाते जाएंगे। सेब को डालने के बाद गैस को मीडियम स्लो हीट पर कर देंगे। फिर एक बार सेब को पलट देंगे। जब सेब हल्के से सिक जाएंगे एक साइड से, सेब
सेब को क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। आप चाहे तो बेसन में हल्दी भी डाल सकते हैं। बेसन के सेब सिक चुके हैं। बेसन के सेब को एक प्लेट में निकाल लेंगे या एक छलनी के ऊपर रख देंगे, जिससे कि सारा ऑयल उसमें से निकल जाए। ठंडे होने के बाद सेब एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं इस तरीके से। सेब को ठंडा होने के बाद एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख लें। सब्सक्राइब कीजिए सौम्याज किचन को और बेल आइकॉन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए।